तो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का जंगल का पथरीला रास्ता तय करने के बाद अब तक हमें इस डुमना नेचर पार्क में एक भी जानवर के दर्शन नहीं हो पाए हैं, एक भी जानवर को हम देख नहीं पाए हैं। बस अभी जस्ट मेरे सामने एक मोर दिखा था, लेकिन शायद वो मोर हमें देख करके शर्माते हुए बाउंड्री के उस पार कूद गया। ये डुमना नेचर पार्क है जो जबलपुर की एक विशेष जगह है, और इस विशेष जगह में एक झील है, और उसी झील के पास एक छावनी नुमा स्थान है, और इस जगह पर कुछ खम्भे हैं और कुछ कुर्सियाँ हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ऐसी शांत जगहों पर प्रेमी जोड़े आना ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो मनुष्य रहा है वो आदिकाल से लेकर के अब तक अपने निशान छोड़ता रहा है, और इस जगह पर भी जो प्रेमी जोड़े आते हैं, इन जो सफ़ेद कलर के खंभे हैं, अपने प्रेम की निशानियाँ छोड़ जाते हैं। जैसे कि हम आपको थोड़ा सा अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि इन चीज़ों को जूम करके दिखाएँ, जैसे यहाँ पर शिवानी लिखा हुआ है, अंकुश लिखा हुआ है, और कई सारे हार्ट बने हुए हैं। एक ही खंभे पर ना जाने कितने लोगों ने अपनी प्रेम की निशानी, अपने प्यार की निशानी यहाँ पर छोड़ी हुई है। लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का जंगल का पथरीला रास्ता तय करने के बाद अब तक हमें इस डुमना नेचर पार्क में एक भी जानवर के दर्शन नहीं हो पाए हैं, एक भी जानवर को हम देख नहीं पाए हैं। बस अभी जस्ट मेरे सामने एक मोर दिखा था, लेकिन शायद वो मोर हमें देख करके शर्माते हुए बाउंड्री के उस पार कूद गया, और सिर्फ उसकी एक झलक ही पा पाए। इसके अलावा यहाँ पर ना तो हमें हिरण ही दिखे, ना ही शेर जैसे जानवर दिखे, यहाँ तक कि कहे तो जंगली कुत्ता तक भी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला है। हाँ, बस चंद लोग हैं, जो चंद लोग अपने चंद लोगों के साथ ही आए हैं, युगल जोड़ों में आए हुए हैं, जो अपने लिए कुछ प्राइवेसी भरी जगह ढूंढने में व्यस्त हैं। इसके अलावा यहाँ पर ना तो फैमिली पर्सन हमको दिखाई दिए जो अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ घूमने के लिए आए हों, और ना ही हम इस जंगल में किसी भी जानवर को देख पाने में सफल हो पाए। ये पथरीला रास्ता है, रास्ता भी काफी टफ है, और एक चीज हम जरूर आपको जानकारी देना चाहेंगे आपके शुभचिंतक होने के नाते, कि अगर इस डुमना नेचर पार्क को आपको घूमने आना है तो या तो सुबह मॉर्निंग के टाइम पर आप 6 बजे के करीब आए ताकि लगभग 10 बजे तक वापस लौट पाए, या फिर आप बरसात के मौसम में, ठंडी के मौसम में आए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पत्थरों की गर्मी तपती है, जिस तरीके से ये जंगल की गर्मी है यहाँ पर, तो आप पसीने से तरबतर हो जाएंगे और शायद इस जगह के बाद दूसरी जगह जाने लायक बच ही नहीं पाएंगे। अब हम भी काफी थक चुके हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर बैठ करके थोड़ा सा आराम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ कोशिश ये भी कर रहे हैं कि सामने एक मोर दिखा था, हो सकता है कि कुछ कोई जंगली जानवर, कोई मोर और हिरण हमें सामने दिख जाए, और जिस तलाश में हम इस डुमना नेचर पार्क में आए हैं वो तलाश की एक छोटी सी सफलता हमारे हिस्से में आ जाए। लेकिन अब तक तो ऐसा संभव होता नहीं दिखा है, और उम्मीद भी अब कम ही नजर आती है। डुमना नेचर पार्क में घूमते हुए हमें कई सारे लोग दिखे, लेकिन वो लोग प्रेमी युगल थे शायद, इसलिए उनकी प्राइवेसी में बिल्कुल भी भंग ना करते हुए हमने उनसे बातचीत नहीं की।
और अब एक भैया हैं हमारे साथ, ये भी फोटोग्राफी का शौक रखते हैं। इनसे इस नेचर पार्क के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आप? मेहुल यादव। तो मेहुल जी, आप भी फोटोग्राफी का शौक रखते हैं? जी, मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर। जी, ये जो जगह है दुमना नेचर पार्क के नाम से जानी जाती है, यहाँ जानवरों की जो आवाजाही है, जो जानवरों की उपस्थिति है, वो तो काफ़ी कम नज़र आती है, क्योंकि हम लोग लगभग पूरा का पूरा नेचर पार्क देख चुके हैं लेकिन एक भी जानवर यहाँ पे नहीं दिखा। क्या कारण है इसका? देखिए, मे बी न्यू रूट्स बने हैं जी, तो जानवर, क्योंकि यहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा होने लगा है, साइकिलिंग ट्रैक भी बना है, तो मे बी वो जानवर उस तरफ शिफ्ट हो गए होंगे जी, तो ये एक मेजर रीज़न हो सकता है। कौन कौन से जानवर यहाँ पर इस नेचर पार्क में है? देखिए, यहाँ पर आपको तरह तरह की बर्ड्स और बटरफ्लाइज बहुत सारी मिल जाती हैं। बेसिकली यहाँ पर मैमल्स में डियर्स हैं जी, है ना, उसके अलावा तो इस तरह के कोई जानवर नहीं है, बाकी छोटे मोटे जानवर जो हैं वो जी। और खंभे हैं जिन खंभों पर और निशानियां हैं और कई सारे दिल बने हुए हैं, और शायद यहां पर आकर के प्रेमी जोड़े अपनी यादगार निशानियां छोड़ने के लिए ऐसे लिख के जाते हैं, लेकिन असल में ये जो लिख करके ये जो निशान छोड़े जाते हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं कहे जा सकते। चाहे प्रकृति हो, चाहे पुराने किले हों, सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि यहाँ पर प्रेमी जोड़े आकर के अपना नाम लिख देते हैं, अपनी प्रेमिका का नाम लिख देते हैं और पूरे के पूरे खंभे, पूरे के पूरे किले को ख़राब कर देते हैं, उनकी सुंदरता में गंदगी का एक रूप भर देते हैं। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि जब ऐसी जगह पर हम आते हैं तो यहाँ पर जो गंदगी होती है वह पर्यटकों के द्वारा, यहाँ घूमने आने वाले लोगों के द्वारा ही फैलाई जाती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रेम आपका आंतरिक विषय है, उसे ऐसे किसी खंभे पर, किसी किले की दीवार पर उत्कीर्ण करके, उसे अंकित करके बर्बाद ना करें। साथ ही साथ ऐसी प्राकृतिक जगह और ऐसे पुराने ऐतिहासिक किले आदि जो भी होते हैं, जो भी ऐसी जगह होती हैं, वहाँ पर कचरा ना फैलाएं, प्लास्टिक पॉलीथीन का इस्तेमाल कम से कम करें, ताकि वो आपके बाद दूसरे लोगों के लिए भी सुरक्षित और स्वच्छ बने रहें, आप जैसे अन्य प्रेमी जोड़ों के लिए भी सुकून और शांति के चंद पल दे पाएं। बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ।